नमस्कार, दो का दम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कमर। दो का दम की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी चुनाव में आपको बता दें, यूपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को आरपीएन सिंह ने इस्तीफा भेज दिया है। जनता और पार्टी की सेवा करने का मौका देने के लिए धन्यवाद, आरपीएन ने कहा है। बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता आरपीएन सिंह। कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे आरपीएन सिंह। कई राज्यों में कांग्रेस के पार्टी प्रभारी भी रहे हैं आरपीएन सिंह। तीन दिन पहले पीएम मोदी और बड़े नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। कल ही कांग्रेस ने बनाया था स्टार प्रचारक और आज उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्वांचल में पडरौना से ताल्लुक रखते हैं आरपीएन सिंह और कांग्रेस के बड़े नेता थे पूर्वांचल में। खास तौर से बात करें तो उनकी एक धाक थी और यूपीए, याद करिए यूपीए सरकार, तो वहां पर केंद्रीय मंत्री थे, यानी बहुत बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। और ऐसे में जिस तरीके से सर पर चुनाव है, स्टार प्रचारक भी बनाया गया था और ऐसे में कांग्रेस को उन्होंने एक झटका दे दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब वो बीजेपी में शामिल होंगे तो वो पडरौना से ही अपनी उम्मीदवारी जताएंगे, यानी पडरौना से ही किस्मत आजमाएंगे। तो कुल मिलाकर यूपी कांग्रेस को आरपीएन सिंह ने एक बड़ा झटका दिया है और बहुत जल्द वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। आपको बता दें कि उन्हें हाल ही में कांग्रेस का स्टार प्रचारक भी बनाया गया था और ऐसे में आज खबर आ रही है कि आरपीएन सिंह अब बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। हालांकि आरपीएन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो पार्टी बदल लेंगे। बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं आरपीएन सिंह। पूर्वांचल में बड़ौना से ताल्लुक रखते हैं आरपीएन सिंह और आपको बता दें यूपीए सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहला सवाल यही है कि इनके बीजेपी में जाने से कांग्रेस को यूपी में कितना बड़ा झटका? देखिए, आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को झटका तो आप छोड़ दीजिए, एक तरीके से समाजवादी पार्टी को भी झटका लगने की पूरी आशंका है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ाने की तैयारी में है भाजपा और उनके अगेंस्ट वो उतारने की तैयारी में है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने एक बड़ा चेहरा बीजेपी खड़ा कर सकती है जो उनको टक्कर दे सकता है। तो कांग्रेस के लिए तो बड़ा झटका, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और कांग्रेस के एक तरीके से मैं कहूं कि बेस के नेता रहे हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ काम कर चुके हैं, राहुल गांधी के साथ काम कर चुके हैं और 2009 से लेकर 2014 तक लगातार केंद्र में मंत्री रहे, तीन अलग अलग मंत्रालयों में केंद्र राज्य मंत्री रहे, जिसमें गृह राज्य मंत्री भी रहे, ट्रांसपोर्ट मंत्री भी रहे, एविएशन में भी रहे। इसके अलावा 1996 से लेकर 2009 तक लगातार कांग्रेस के सीट से विधायक भी रहे। तो एक बड़ा इनका लंबा करियर है कांग्रेस के साथ साथ और कांग्रेस का एक बड़ा जो उनका कार्यकर्ता है, कांग्रेस का एक अभिषेक बड़ा सवाल यही है, जब इतना अच्छा रिश्ता था, इतना मजबूत रिश्ता था, तो आखिर झटका क्यों दिया, क्यों तोड़ा नाता, क्या फायदा होगा बीजेपी में, कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हर बार यही शिकायत आती है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर बीजेपी आए थे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो हमारी बात नहीं सुनता और कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की जरूरत है, बड़े आइडियोलॉजी की जरूरत है, बड़े सोच की जरूरत है। आरपीएन सिंह के साथ भी यही है, उन्होंने भी जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया है कि वो जिस आइडियोलॉजी के साथ चलना चाहते थे उस आइडियोलॉजी की वहां पर इज्जत नहीं है, उस आइडियोलॉजी की पूछ नहीं होती वहां पर, इसीलिए अब वो दूसरी जगह अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि जिस तरीके से बड़े नेता हो, चाहे वो अभिषेक, वैसे विचारधाराएं पल में नहीं बदलती हैं, विचारधाराएं जब बनती हैं तो बन ही जाती हैं। ऐसा क्या हुआ कि विचारधारा अचानक बदल गई, अब बीजेपी की विचारधारा से जुड़ गए? देखिए, आरपीएन सिंह ऐसा नहीं है कि एक दिन में बीजेपी ज्वाइन किए हैं, ये 2017 से इनका प्रयास चल रहा है, बीजेपी लगातार इनसे संपर्क में थी और ये भी बीजेपी से लगातार संपर्क में थे, लेकिन 2017 से इनकी बातचीत चल रही थी लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई। 2019 में ऐसा लगा कि लोकसभा चुनाव से पहले इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब नहीं हुई। 2021 में लगा कि ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब नहीं हुई, लेकिन अब अंततः 2022 में इनकी ज्वाइनिंग
हो गई। तो ऐसे कई मामले आए, कई बातें आई जहां पर लगा कि अब आरपीएन सिंह कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो कई बार आला कमान ने उनको समझाने की कोशिश भी की, कई बार आला कमान से वो मिले भी, जिसमें वो सोनिया गांधी से मिले, राहुल गांधी से मिले, प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले, लेकिन अंततः उनको ये लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, नहीं समझी जा रही है, जो वो कहना चाहते वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तब जाकर उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। जी, तो क्या माना जाए अभिषेक कि पूर्वांचल में जो धमक है पडरौना से आते हैं, क्या पडरौना से ही किस्मत आजमाएंगे आरपीएन सिंह? बिल्कुल, ये खबर आ रही है कि पंडरौना से ये चुनाव लड़ सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य मौर्य समाज के बड़े नेता हैं, बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं और इनका भी अपना एक रुतबा है। चलिए, बिल्कुल अभिषेक, कहते हैं कि नेता ऐसा कोई कदम नहीं उठाता है जहाँ पे उसे नुकसान हो। अगर ऐसे आरपीएन सिंह ने कदम उठाया, इतना बड़ा निर्णय लिया है, तो जाहिर सी बात है उन्हें फायदा तो जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका।